तो आइए जानते हैं ये हाइड्रोलिक वाला स्लाइडिंग कैसा लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इसका, इसमें सब इंट्रो है, इसके बारे में ये भी देख के लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका जानकारी दिया हुआ है। देखिए इसमें इसका सब जानकारी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसका सब, ये दो ये शाफ्ट है, चार व्हील चेयर है। ठीक है, एक पल्ले में चार ये व्हील लगता है। ठीक है, स्क्रू दिया है इसका, ये साइड में लगाएंगे। ठीक है, ये इसको बाद में बताएंगे कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए एक पल्ले में ये दो लगेगा। ठीक है, एक पल्ले में ये चार लगेगा, एक पल्ले में ये, एक पल्ले का सेट है। ठीक है, एक पल्ले में ये चार, ये दो ये लगता है। ठीक है, ये दो सॉफ्ट है, ये चार व्हील लगेगा। ठीक है, इसको लगाने के सबसे पहले, ठीक है, देखिए जो ये तीर दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए तीर दिखाई दे रहा है, जब इसको इसमें डालेंगे तो ठीक है, ये देखिए तीर वाला निशान, इसको इस तरह ये अंदर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये उल्टा नहीं जाएगा। ठीक है, उल्टा डालेंगे तो नहीं जाएगा, इस तरह ये लगेगा। ठीक है, देखिए ये तीर वाला निशान है। ठीक है, और ये दिया है जो, देखिए ये व्हील है इसका, देखिए जब डालेंगे अंदर तो ये देखिए दब जाता है। ठीक है, इस तरह ये दबता है, जब इसमें ये लगेगा तो इस तरह देखिए चलेगा, तो इससे दब के चलता है। ठीक है, इसमें जब ये सॉफ्ट लगाएंगे, अभी सॉफ्ट लगा के दिखाते हैं आपको, तो देखिए पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस तरह ये इसमें ये चलता है। ठीक है, देखिए पूरा ये इसका खांचा दिया हुआ है, इसी खांचा में बैठ के जो ये दिख रहा है, जो व्हील है इसका गोल वाला व्हील है, इसी में ये चलता है। ठीक है, अगर जैसे पल्ले में ये लग जाएगा ऊपर, जैसे ये पल्ला अगर एक पल्ले में चार लगेगा, दो नीचे लगेगा, दो ऊपर लगेगा, तो इसको जो ये व्हील है इसको लॉक करने के लिए, जैसे मान के चलिए इस तरह लगला हुआ है, इसको लॉक करने के ये दाब देंगे, इसके बाद ये देखिए ये जो बटन है ये व्हील लॉक कर देगा। ठीक है, इसको फिर से इस तरह खोलेंगे, देखिए ये व्हील ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस तरह इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको ये अंदर इसमें डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए तीर वाला निशान अंदर जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको, तो देखिए इस तरह ये अंदर चला गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ से दूरी है इसको, ये 6 सेंटीमीटर दूरी रहेगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा सॉफ्ट है। ठीक है, इसी पे ये चलेगा। ठीक है, इसको ये 6 सेंटीमीटर लगाने के बाद देखिए एलंकी की दिया था। ठीक है, ये जो होल दिख रहा है, ये होल में एलंकी की इस तरह डाल के एक यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ इसको टाइट कर लेंगे ताकि इधर उधर ना जाए। ठीक है, इसको 6 सेंटी यहाँ से नाप लेंगे। अभी जो व्हील है, ठीक है, इसको लगाने के लिए इस तरह देखिए ये खांचा मारेंगे। ठीक है, तो खांचा है ये पल्ले के साइड से कितना रहेगा, तब इसके बाद ये इसको अंदर ये खांचा मार के इसको अंदर ये, ठीक है, चला जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ से ये 15 सेंटी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमको 16.5 सेंटी लेना है। 16.5 सेंटी कहाँ से लेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है ये लास्ट वाला है। ठीक है, जब ये हम वैसे ही लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये जो ये कोर दिख रहा है इस तरह, ये देखिए ये जो है दिख रहा है, तो इससे देखिए जो अंदर है ये यहाँ से ले लेंगे 16.5 सेंटी। ठीक है, 16.5 सेंटी लेने के बाद देखिए इस तरह इसको अंदर काट लेंगे। ठीक है, काटने के बाद देखिए इस तरह ये पूरा इसको बैठा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया, बैठ जाएगा, इसके बाद ये स्क्रू से टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको स्क्रू से, ठीक है, ये देखिए चारों स्क्रू पस लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो पल्ला है, ठीक है, ये देखिए जो इसमें लग रहा है, इस तरह ये कांटे में बैठा देंगे। ठीक है, देखिए ये जो साइड का कोर है, ठीक है, देखिए ये पूरा बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये जब ये पल्ला जाएगा तो इस तरह ये खुल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक आइडिया। और ये इसका दूसरा आइडिया बताते हैं लगाने के लिए। अब इसको लगाने के लिए एक दूसरा आइडिया भी आसान है। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले, अगर इसको दूसरे आइडिया से लगाना आसान तरीका, देखिए ये जो पल्ले का जो साइड में लगेगा, ठीक है, ये साइड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना है। ठीक है,
तो देखिए इस तरह ये 170 में दिखा रहे हैं, मतलब 170 में मतलब 17 सेंटी, ठीक है। तब इसको हम ये 17 सेंटी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है ये इसका ये कोर जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे, ठीक है। देखिए ये कोर जो दिख रहा है इस कोर से लेके यहाँ तक नापेंगे, देखिए ये 17 सेंटी आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा आइडिया भी आसान है, ठीक है। यहाँ से नाप लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पल्ले में लगाने के बाद इसको लगा के कस लेंगे। इसके बाद यहाँ से दूरी नाप के यहाँ, इसके बाद जो यहाँ से कोर दिख रहा है, ठीक है, ये इस कोर तक नाप लेंगे 17 सेंटी, ठीक है। ये भी 17 सेंटी है, ये भी 17 सेंटी है, ठीक है। तो ये जो कोर दिख रहा है, ये जो कोर है ये इस कोर में लगेगा, ठीक है। आइए लगा के दिखाते हैं कि इस तरह इसको लगाएंगे तो कोर में बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह ये बराबर ये जो दिख रहा है, देखिए ये पल्ले एकदम साइड से एकदम बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा भी आइडिया आसान है, आराम से लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चैनल लगाने के लिए, ठीक है, स्लाइडिंग डोर का चैनल लगाने के लिए ये देखिए, अगर अंदर ये जरूरी हो जैसे तो इसको अंदर काट के भी, ठीक है, इसे काट लेंगे, इसको अंदर भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर ऊपर लगाना हो तो इस तरह इसको लगा के बाद में इसको स्क्रू पे अंदर कस देंगे। इसके बाद देखिए इस तरह ये एक लकड़ी 19 mm का ये प्लाई का टुकड़ा डाल के इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि एक प्लाई यहाँ चल सके, एक प्लाई यहाँ चल सके, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये पाला जब चलेगा, देखिए इस तरह ये पाला अगर लग जाएगा तो देखिए अगर ये पाला लगे, ठीक है, तो इसका दूरी रहेगा, ठीक है, ये दूरी रहेगा तो पाला आपस में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। एक वहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये आगे भी अपना एडजस्ट कर लेंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना हम जगह अपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। वार्डरूप में हम लमसम ये आधा सेंटी या एक सेंटी छोड़ के ये लगा सकते हैं, ताकि बाद में पाला लगे ये जो साइड में आगे हैगा ये लड़ेगा नहीं, ठीक है। इसको लगाने के बाद देखिए तो ठीक है, इस तरह ये फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको पल्ले में इसको पल्ला कैसे लगाते हैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो पूरा हो गया आइडिया ये इसको फिटिंग करने के लिए इसका माप, ठीक है। ये पल्ले में लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह बताए हैं उसी तरह लगा के इसको अलमारी भी लगा सकते हैं। अगर दो पल्ला लगेगा तो ये दो नीचे लगेगा, ठीक है, दो ऊपर लगेगा, ठीक है। ये दो नीचे दो ऊपर, चार इसमें ये स्लाइडिंग चैनल चाहिए, ठीक है। एक पल्ले में ये चार व्हील चेयर लगेगा और दो ये लगेगा, ठीक है। अगर आपको पल्ला अगर दोनों साइड यहाँ खोलना है तो एक ये ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा, और ये उधर साइड पल्ला खोलने के लिए उधर साइड खोलना होगा तो दो उधर, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो एक पल्ले में दो लगेगा, एक ऊपर एक नीचे और चार ये व्हील लगेगा, ठीक है। इस तरह ये आसानी से लग सकता है।